Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This vlog is going to be about a lot of things. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था, फिर मुझे ये भी याद आया कि मुझे आपको ना कंज्यूमर कमीशन लेके जाना है. कंज्यूमर कमीशन लेके जाऊंगी तो वहां पे कंप्लेनेंट एविडेंस है, तो मुझे लगा आप लोग को सिखा दूं कंप्लेनेंट एविडेंस कैसे करते हैं. बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट कैसे देंगे, ये विटनेस क्या है, CW क्या है, PW क्या है, DW क्या है, एग्जिबिट कैसे करते हैं, कैसे मार्क करते हैं. वो ग्रीन पेन से सब एडवोकेट्स वहां जज के साइड वाली जगह पे जाकर क्या कर रहे हैं कोर्ट में, बस यही सब मैं इस ब्लॉग में क्लियर करने वाली. सो ऑन माई वे टू द कमीशन, और जनरली वैसे तो आपको लग रहा होगा कि कोर्ट की छुट्टियां हैं, बट ये जो कोर्ट वाले हॉलीडेज होते हैं इसको फॉलो नहीं करता है कमीशन, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं. इसीलिए तो वैसे तो कमीशन इतना भी खाली नहीं होता है, लेकिन कुछ होगा फैक्टर जिस वजह से ऐसा है. बाकी हम अपनी बात पे आते हैं. क्या सो अभी आपने कंज्यूमर कमीशन देखा. अब कंज्यूमर कमीशन देखने से अगर आपको ऐसा लगता है कि कंज्यूमर केसेस एकदम ही सिंपल होते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं होते जैसे कि कंप्लेनेंट एविडेंस देना या फिर उन पर क्वेश्चंस होना या फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ही एक कहते हैं ना सीरियस सा स्टेज होना, ऐसा नहीं है. वहाँ पर ये सारे स्टेजेस होते हैं बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एक्चुअल कोर्ट से. बाय द वे इट इज़ 30th ऑफ दिसंबर, एक दिन और रह गया है इस साल में. 2022 भी ख़त्म होने वाला है एंड आई होप योर ईयर वेंट वंडरफुल. अगर आपको लगा कुछ चीज़ अच्छी नहीं भी गई थी तो आई होप वो सब ठीक हो चुका है या फिर वो बहुत ही जल्दी ठीक होने वाला है, न्यू ईयर के साथ ठीक हो जाएगा. मेरे को बहुत ही शौक रहता है कि क्योंकि नया एक साल जा रहा है, नया साल आ रहा है, तो अपने रूटीन को और अच्छा सुधार लो, वर्कआउट करो और अच्छे से करो. सो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्कआउट, आई एम ऑल सेट टू बिगिन माय डे. आज का दिन मुझे घर पे रह के ही कुछ काम कर रहे हैं, तो आई बी शोइंग यू दैट ओनली. मे बी एल गो आउटसाइड बिकॉज दीज डेज में जैसे बहुत गलत सी प्लानिंग हो रही है. बट एनी वे मिलती हूँ मैं आपसे. आई जस्ट गेट रेडी एंड गेट बैक टू यू गाइस वेरी सून. सो आई एम बैक. और इससे पहले मैं कुछ और दिखाऊँ, मुझे पता है कि मुझे आपकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी जिस डिमांड पे वीडियो बन रही है कंप्लेनेंट एविडेंस वाली. बट मैंने बोला था न्यू ईयर्स इज़ वेरी नियर, बस एक दिन और मैंने बोला था कि हम एक रेजोल्यूशन लेंगे हर रोज़. रेजोल्यूशन आज का ये होने वाला है कि जितनी भी चीज़ों को हम वीडियो के थ्रू देखेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को, उनकी और ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी आप लोग जाके करोगे, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ये सारे रेजोल्यूशंस ले रहे हो, तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में एक एक सरप्राइज बता रही हूँ. सो हियर इज़ द सरप्राइज़ फॉर टुडे. तो अब आपको क्लैट सब्सक्रिप्शंस पे भी जितने भी सारे लोग हैं जो लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो किसी को जानते हैं जो लोग लॉ एग्जाम्स के लिए, लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मुझे पता है कि आप क्लैट के लिए एक साल दो साल पहले भी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो. डोंट वरी, अगर आप उससे भी कम का कोई कोर्स लेना चाहते हो तो अनअकैडमी इज़ देयर फॉर यू. और जो पहले भी लॉगिश सब्सक्राइबर्स को कई बार 10%, 15% और 20% का ऑफ मिला करता था, वो अब कुछ टाइम के लिए बढ़ के हो गया है 23%. दैट इज़ मोर देन 20%. इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्राइबर होना चाहते हो, अगर आप आइकॉनिक बैच लेना चाहते हो अनअकैडमी का, तो आपको क्लोज टू 24,264 रुपीज़ की सेविंग होगी 24 मंथ्स के बैच पे, यानी कि दो साल वाले क्लैट सब्सक्रिप्शन पे. अब अगर आपको अनअकैडमी के साथ लगे कि मुझे ये वाला बैच अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई इस पर्टिकुलर एजुकेटर से पढ़ना उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे किसी एजुकेटर के नोट्स ज़्यादा पसंद है, तो आप जब मर्जी अपने बैचेस को स्विच कर सकते हो. एक टाइम पे एक से ज़्यादा बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो. इनफैक्ट अभी 29 दिसंबर से ही, कल से ही NLU ड्रॉपर्स बैच भी स्टार्ट हुआ है, विच इज़ अमेजिंग फॉर दोज हु विश टू यू नो गो टू NLU, हु हैव अ ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन NLUs या कोई भी और कोई अच्छे लॉ कॉलेजेस में अगर आपको पढ़ना है. तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और कोड यूज़ करना है Vlogish. एज सिंपल एज दैट. मैं बता दूं कि कंप्लेनेंट एविडेंस कराने का मतलब और एग्जिबिट कराने का मतलब, दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी. देखो क्या होता है ना, जब हम कंज्यूमर केसेस में, मैं टिपिकली स्पेसिफिकली कंज्यूमर केस की बात करती हूँ यहाँ पे, साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग दिखेगी और सिविल केसेस के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन वाले प्रोसीजर में भी. बट कंज्यूमर केसेस में आप केस को फाइल कर देते हो, सामने वाली पार्टी रिप्लाई कर देती है, अगर कोई कंडोनेशन ऑफ डिले जैसी एप्लीकेशन है वो भी सबसे पहले डिसाइड होती है, फिर ही केस आपका थोड़ा भी आगे बढ़ता है. और उसके बाद जो केस होता है वो आपका लग जाता है एविडेंस के लिए. और पहला एविडेंस क्या होता है,
अगर वो आपके सिविल केसेस है तो आपका प्लेंटिफ का एविडेंस होता है और यहाँ पर कंप्लेनेंट का एविडेंस होता है। एविडेंस देने का मतलब जिन जिन भी चीज़ों पे, जिन जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे, जिन जिन भी बातों पे आप रिलाई कर रहे हो उन सब को कोर्ट के सामने कहना। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उनको कोर्ट के सामने एग्जिबिट करवाना। बहुत बार आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि ये चीज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले तो एक एफिडेविट बनाना आना चाहिए। एफिडेविट सब जो लोग विटनेसेस बन रहे हैं उनका, लेट्स अज्यूम जो कि सबसे पहले होता ही होता है, एक कंप्लेनेंट अपने खुद के केस में विटनेस बन रहा है। अगर मेरी जो गाड़ी है, मैंने एक कार परचेज की थी और वो डिफेक्टिव निकली और उसमें कोई इशू निकला और उसके लिए मैंने कंज्यूमर केस फाइल किया है अपने पैसे वापस लेने के लिए या तो कार की रिप्लेसमेंट लेने के लिए, तो मुझे पता है सबसे पहले तो वो इशू क्या था। मैंने वो चीज़ परचेज की है तो उसका बिल भी मेरे पास होगा डेफिनेटली। मैंने उसकी सर्विस को हमेशा टाइम पे कराया तो उसकी रिसीप्ट्स भी मेरे पास होंगी फॉर श्योर। मैंने कंप्लेंट्स रेज करी थी कंपनी के साथ, वो भी मेरे पास होगा। मुझे जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट्स मिली हैं वो भी मेरे पास होंगी। तो ये सब चीज़ें तो मुझे ही कोर्ट को देनी पड़ेगी ना, ये सब चीज़ें मेरे केस में एविडेंस की तरह भी यूज़ होगी। हाँ, तो ये सब चीज़ मेरे पोजेशन में होगी और इन सब चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी अपने केस को प्रूव करने के लिए। अब जब कंप्लेनेंट एविडेंस का स्टेज आ जाएगा तो सबसे पहले तो ना मुझे डिसाइड कर लेना होता है कि मेरे केस में विटनेसेस कितने होंगे और वो कौन कौन होंगे। बहुत बार फर्स्ट विटनेस तो हम खुद ही होते हैं, जस्ट फॉर रीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू। सेकेंड विटनेस, शायद आपने कहीं से मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाया है तो वो इंजीनियर, वो दुकान वाला या कोई भी हो सकता है, वो मैकेनिक हो सकता है। देखो, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर आपको अपना क्लेम लेना होता है, लेट्स अज्यूम उन केसेस में जहाँ पर आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आपको एक इंजरी होने के बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और उसके बाद भी आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है किसी ग्राउंड पे, कोई भी रीज़न देके कि ये तो आपके ऊपर जो थेरेपी की गई या जो आपके इलाज किया गया वो एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में आता है, तो आपको डॉक्टर को एज अ विटनेस बुलाना पड़ेगा और उनको एग्जामिन करवाना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि ये सारा इलाज एक्सपेरिमेंटल थेरेपी नहीं था, एक्चुअली ये तो पहले से ही यूज होता आया है, ये कोई आज नई चीज़ उन्होंने खुद सिर्फ आपके लिए इन्वेंट करके नहीं की है। तो सबसे पहले तो डिसाइड करोगे विटनेस कौन कौन है, किन किन लोगों की मुझे ज़रूरत है अपने केस को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, और ऐसे ही विटनेस जिसको कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो दूसरी पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है, वो उसको तोड़ ना पाए। तो विटनेसेस को जैसे कि आपने समझ लिया कि अब विटनेसेस कौन है, तो मेरे हिसाब से तो एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल कर दो। लिस्ट ऑफ विटनेसेस दूसरी पार्टी को भी दे दो, कोर्ट को भी दे दो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दे दो देना चाहो तो। वैसे ये कंज्यूमर केसेस में मैंडेटरी नहीं होता है, बट आप दे दो, आपका डिसाइड हो जाएगा। ये जब आपने डिसाइड कर लिया आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही हल हो गई, क्योंकि अब आपको देना बचा है अपना एफिडेविट, विटनेस का एफिडेविट, यानी कि विटनेस जो जो भी चीज़ कोर्ट के सामने कहना चाहता है वो बस पॉइंट बाय पॉइंट एक ही हेडिंग डाल के कि एफिडेविट बाय CW1 और उनका नाम कुछ भी है, लेट्स से ईशा कपूर, आप इस तरह से दे दोगे एविडेंस ऑन एफिडेविट बाय CW1 ईशा कपूर। फिर उसके बाद आप जैसे अपना केस बनाते हो ना, उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके पॉइंटर्स में आप अपना एफिडेविट भी लिख दोगे। अब केस आपका कैसे लिखा जाता है, दैट द कंप्लेनेंट रिसीव्ड इंजरी, दैट द कंप्लेनेंट बॉट दिस कार इन द ईयर 2019, दैट द कंप्लेनेंट स्टार्टेड फेसिंग सेवरल इश्यूज विद द न्यू कार इन द ईयर 2019 इटसेल्फ, नॉट विद इन 10 डेज ऑफ बाइंग द कार, ऐसे करके आप लिखते हो। बट एफिडेविट को आप फर्स्ट पर्सन में लिखते हो क्योंकि आप खुद उसे अफर्म कर रहे होते हो। तो बस उसी तरह से आपको अपना एफिडेविट चलाता जाना है। बहुत बार उसके सारे कॉन्टेंट्स सेम होते हैं एकदम, बस थोड़ी सी उसमें डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एफिडेविट ही दिखा देती हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ताकि आप समझ जाओ कि कैसे आप एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट दे देते हो। जनरली जो हमारे केसेस की हेडिंग्स होती हैं बिफोर द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, वो कमीशन का एड्रेस, फिर उसके बाद इन द मैटर ऑफ लिख के, फिर उसके बाद एक हेडिंग डाल के एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट जैसे मैंने बताया, उसके बाद में आपको कुछ इस तरह के पैराग्राफ से शुरू करना होता है। तो आप इसको अपने रेफरेंस पैराग्राफ की तरह ले सकते हो अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट को बिगिन करने के लिए। नाउ यू कम टू पैराग्राफ नंबर 6, कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दैट आई हैड अप्लाइड फॉर हाउसिंग बोर्ड हरियाणा BPL स्कीम 2009-13 वाइड एप्लीकेशन नंबर, जो मैंने छुपा लिया है बिकॉज दैट शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। तो इसी तरह से आपको आए वाले फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में इसको लिखना होता है। कंप्लेनेंट जो है वो खुद अपना, ये कंप्लेनेंट का खुद का एफिडेविट है, वो भी खुद एक विटनेस बनी इसमें, और वो खुद अपने एफिडेविट पे ये लिख के दे रही हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगी।
बस ऐसे ही जो आपकी केस के आगे के फैक्ट्स हैं जिनको आप प्रूफ करवाना चाहते हो वो आपको लिखते चले जाने हैं इस एफिडेविट पर। देखो नेक्स्ट आ जाता है ये वाला पैराग्राफ जिसमें मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि आप किस तरह से एग्जिबिट को लिखते हो। जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है जिसको आप एज एविडेंस देना चाहते हो, जो कई बार आपके एनेक्सचर्स में भी लगा होता है, उसको आप ऐसे लिख दोगे XCW 1 of 1। ये 1 of 5 है क्योंकि ये 5th डॉक्यूमेंट है एक्चुअली। ये EX का मतलब है एग्जिबिट, मतलब इसको आप एज एग्जिबिट कोर्ट की फाइल में भी मार्क करोगे। कोर्ट में जब आप जाओगे ना इस एफिडेविट को सबमिट करोगे और आपका एविडेंस रिकॉर्ड होने के लिए लगेगा, उस स्टेज पर जाके आप कोर्ट की फाइल में ग्रीन पेन से जाके आप वहाँ पर लिख दोगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसकी हम बात कर रहे हैं, EX CW 1 of 5। इसी तरह से सेम मतलब कि ये एग्जिबिट है जो कि कंप्लेनेंट विटनेस ने अपना एविडेंस दिया है, CW 1 ने दिया है, कंप्लेनेंट विटनेस नंबर 1 ने, और ये 5th डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस की तरह से सबमिट किया गया है कोर्ट में। इसका सिंपल मतलब ये होता है, और एग्जिबिट बना देने का मतलब भी ये होता है कि कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एज एविडेंस। अब इसकी वैल्यू कितनी है ये सब, फिर वो उसको वे कितना करता है वो एज अगेंस्ट की एविडेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, ये सब बाद में देखा जाएगा कोर्ट की तरफ से, बट अभी फिलहाल के लिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा उस स्टेज पर। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। अब एंड में ये जो पैरा नंबर 29 है, ऐसा एक पैराग्राफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान से देख लो। और याद रखना ये एविडेंस देते टाइम पे आपके साथ ये जो विटनेसेस हैं जो अपना एविडेंस दे रहे हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, तो जिस दिन आपका लग गया ना कंप्लेनेंट एविडेंस के लिए, उस दिन जाके आप ये एफिडेविट दे आओ, चाहे तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी दे आओ, जितने भी विटनेसेस हैं सबके लिए एफिडेविट कोर्ट में जाके दे के आओ। ठीक है, जैसे दे के आओगे, जनरल पार्लेंस में ये होता है कि कोर्ट आपको एक डेट देता है कि अभी इसके अगले दिन आपका एविडेंस करवाया जाएगा। अब आप सोचते होगे कि ये जो एविडेंस एफिडेविट थे ये तो मैंने दे दिए, अब कौन सा एविडेंस हो तो गया एविडेंस, बट नो, अब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स एज एफिडेविट दिए हैं उनको कोर्ट एग्जिबिट करवाएगा आपसे, यानी कि वो एक एग्जिबिट की तरह से, एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह से अब उसको देखने लग जाएंगे, और आपको वहां बुला के वो किया जाएगा, आपके जितने भी विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट की जाएगी। बहुत बार क्या होता है, क्योंकि आपने सब कुछ लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी एफिडेविट में, आपको कुछ अलग से और पूछने की जरूरत नहीं है, तो कोर्ट बस वहां पे ये देखता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए ये सारे एडमिसिबल है ना, इनमें कोई इशू तो नहीं है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो इनएडमिसिबल है एविडेंस में। अगर ये सब ठीक होता है तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बस लिखवा देते हैं अपने सामने कि आई टेंडर, आई एम दिस दिस कंप्लेनेंट, आई एम ईशा कपूर एंड आई टेंडर माई एविडेंस बाई वे ऑफ एन एफिडेविट, ठीक है, इन द केस इन द प्रेजेंस ऑफ माई काउंसिल, और ऐसे करके और नीचे जज के साइन हो जाते हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो सारी बात आपने अपने कंप्लेंट में लिखी थी वो सारी आपने वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने कह दी है कोर्ट के, तो अब वो एज एविडेंस एक्सेप्ट कर ली गई है, अब वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि एविडेंस एग्जिबिट कराने के टाइम पे, डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट कराने के टाइम पे जजेस वहां पे प्रेजेंट नहीं होते, बट मुझे लगता है वहां होना चाहिए उनको हर टाइम, और दूसरी पार्टी के काउंसिल को भी होना चाहिए, कभी अलाउ नहीं करना चाहिए बिना दोनों काउंसिल के प्रेजेंट हुए, क्योंकि एक बार आपने एग्जिबिट करा दिए डॉक्यूमेंट्स मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन गए, अब वो एविडेंस में आ गए। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी एविडेंसेस की कैटेगरी है उसमें वो फॉल कर गए, उसमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी में। वही टाइम होता है जब ऑपोजिट काउंसिल, अपोजिंग काउंसिल या फिर जजेस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को एडमिट होने से, एज एविडेंस रोक सकते हैं, और उसी टाइम पे थोड़ा सा विजिलेंट होके कोर्ट्स को भी और अपोजिट काउंसिल्स को भी, हम अगर अपोजिंग काउंसिल्स हैं तो हमें भी वहाँ रोक लेना चाहिए, वरना फिर वो डॉक्यूमेंट एक बार एक्सेप्ट हो गया तो हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। आई थिंक ये कहानी बड़ी लंबी सी हो गई है, तो थोड़ा सा अभी चलते हैं, बाकी आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ, बट एक बार नीचे चलते हैं। आई थिंक देर इज समथिंग बींग कुक्ड जिसकी बहुत ही डिलिशियस खुशबू आ रही है, बस वो देखने के लिए चलते हैं एक बार। छोटा 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 लड्डू बनाना है, बड़े हलवाई छोटे हलवाई करते होंगे ये सब, बड़े हलवाई ऐसे बनाते हैं, छोटे हलवाई और बड़े हलवाई लड्डू बनाने के लिए जी जो नहीं हो तो कम कर ले, ऐसे बनते लड्डू ना, कैसे ठीक है आधे डेढ़ लड्डू
ज़्यादा ये भी मीठा ठीक है फिर किचन लगते हैं। आप क्यों बड़े बना रहे हो पापा, देख लो आपके कौन बड़े बना रहा है। कहाँ बड़े बना रही हूँ मैं अभी, मतलब ये तो बिल्कुल ही छोटे बनाने में लग गई है। ये तुम चल रहा कैमरा क्या गुस्से के चल भी रहा हो, एक बार रिकॉर्ड हो गया तो सीधा लाइव जा रहा है। बंद कर दो जाओ वहां से जाके बाबा, चल तो रहा है वहां पे एक वही तो है जहां से वीडियो पापा कर दो फिर सारी वो खत्म हो जाएगी। करना नहीं आता तो कैसे कर दूं, क्या करना है बता। स्पेस जहां पे से कैमरा बंद कर, फोटो खींचने का बटन जो लाल जो है। हां So these delicious laddus were being made. मैंने भी बनाया है इसमें, so give some credit to me as well. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.